हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वे सभी आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन देंगे। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, पहला हमारा व्हाट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। फिर दूसरा है कि क्लासीफाई आयन एक्सचेंज रेजिन, यह भी एग्ज़ाम में आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर हमारा थर्ड जो है, व्हाट इज एनायन एंड कटायन एक्सचेंजर, ठीक है, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंजर। फिर हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। फिर हमारा छठवां जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अप्लीकेशन ऑफ द IER मतलब आयन एक्सचेंजर रेजिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा जो होता है, दो क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किया है। पहला है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में पूछ सकता है। और जो हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट वाला, यह तो पूछा जाता है, राइट एंड टिप नोट्स ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर से तैयार करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन ला रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे ही पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।